गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फैट लॉस वेट लॉस का सबसे अहम पार्ट आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूं, यानी कि इस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा फैट लॉस किया है, कमर के आसपास की चर्बी को कम किया है। इवन ये जो मैं स्लिम आपको दिख रही हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे इस जर्नी में इसने मेरा 100% साथ दिया है, हर जगह हर समय, और मैं इसे हमेशा कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन इस समय मैंने इसमें कुछ ट्विस्ट करके लिया है इसे, जिसकी वजह से मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने आप लोगों के साथ ये ड्रिंक जो है, आप ये कॉफ़ी मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर करना बहुत ही ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका फैट लॉस हो, यानी कि वो ऑल ओवर बॉडी का वेट कम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑल ओवर बॉडी का फैट लॉस करना चाहते हैं, कमर की चर्बी कम करना चाहते हैं, जांघ की चर्बी कम करना चाहते हों और स्लिम दिखना चाहते हैं। तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक एक चीज़ सुनना इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि इसे कैसे लेना है, कब लेना है और कितनी बार लेना है। वीडियो में आगे जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में एक छोटा सा घंटी लगी हुई है उसे बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ग्रीन कॉफ़ी बीन्स की। जी हाँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इस फैट लॉस जर्नी में इसने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो ये इस तरह से बीन्स में आता है, इसका पाउडर फॉर्म भी आता है। तो आपको क्या करना है, इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में लेके आपको पीस लेना है, और अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप इसका पाउडर भी मंगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से इसके बीन्स ही प्रेफर करती हूँ। और रही इसको पतला करने की बात, तो आप चाहे जितना भी मिक्सर ग्राइंडर चला लें, इससे ज़्यादा पतला नहीं होगा। इसके साथ एक स्पून भी मिलता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आपको एक कप पानी लेना है, क्योंकि ये मेरा बड़ा कप है तो मैं इसलिए हाफ ले रही हूँ, और इसमें आपको हाफ टेबल स्पून ग्रीन कॉफ़ी बीन्स डालनी है। इसके बाद आपको इसे बॉयल करना है, और इसे लेना कैसे है ये भी मैं फिर से आपको बताऊंगी कि आपको इसे सुबह के नाश्ते के बाद लेना है 15 मिनट बाद, दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट बाद लेना है, और रात के खाने के 15 मिनट बाद लेना है। यानी एक दिन में आपको 1.5 चम्मच कंज्यूम करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग बाद में मैसेज आता है कि लिंक दीजिए, तो इसलिए आज मैं पहले ही प्रोवाइड करवा दे रही हूँ। और ऑलरेडी मैंने इसके वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है, काफ़ी लोगों ने वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक चीज़ बताना यहाँ पे, मैंने इस वीडियो को दोबारा इसलिए बनाना प्रेफर किया कि फैट लॉस की जर्नी में भी इसने मेरा काफ़ी हेल्प किया है, और मैं इसे काफ़ी टाइम से ले रही हूँ। तो इसे इस तरह से छान के आपको पीना है, बनाना बहुत ही आसान है, बनाइए, इंजॉय करिए और फैट लॉस। तो फ्रेंड्स, देखा, इस ड्रिंक के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ इसे लेते रहिए। बहुत सारे लोगों को इफेक्ट पड़ा है, बहुत सारे लोगों ने इसे अपना वेट लॉस किया है, और मैं बोल सकती हूँ कि मैंने वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, बॉडी टोन की है। टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी, जैसे मैं शुरुआत से आप लोगों को गाइड करती जा रही हूँ कि मैंने ये चीज़ ली। डाइट पर भी बहुत जल्दी आऊँगी, सीड्स भी मैं लेती रही हूँ तो सीड्स पर भी बहुत जल्दी आऊँगी। ऑलरेडी मैंने सनफ्लावर सीड्स आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, और भी डाइट में मैंने कौन से सीड्स ऐड किए हैं वो भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। लेकिन इस ड्रिंक को मेरा बताने का मोटिव इस समय ये था, क्योंकि बहुत से लोग बहुत फास्ट वेट लॉस चाहते हैं, बहुत फास्ट जो है फैट लॉस चाहते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो शेयर करना पड़ा। एक चीज़ मैं आप लोग के साथ और भी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सुगम, आपकी स्किन का राज बताइए, अपने हेयर्स की हेयर केयर बताइए। तो जी हाँ, उसके लिए इस चैनल पर काम करना मेरे लिए उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है। बहुत ही जल्दी उस पर वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आने वाले हैं, तो उसको भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिएगा। उसकी जो लिंक है, उस जो चैनल है, मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो मेरा चैनल, तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।